हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा है जो आप सभी के लिए बिल्कुल है। तो आज के खास वीडियो में नई चीजों को जानेंगे समझेंगे। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें वाराणसी के मैं गोदलिया चौराहे गोलंबर पर आ गया हूं और यहां से विभिन्न सारी जगहों पर अलग जगहों पर ये रास्ता जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ढेर सारे पंडा लोग हैं जो काशी विश्वनाथ दर्शन कराने आते थे, वे लोग यहाँ से कुछ चार्ज वगैरह लेते हैं, दर्शन कराते हैं। और यहाँ गाइड वगैरह की भी व्यवस्था है, अगर आपको कहीं घूमना है तो गाइड भी आप ले सकते हैं जो आपको सारी हेल्प करेंगे, कहाँ पर कौन सारी चीज़ें हैं, कैसे घूमना है, कहाँ पर क्या मार्केटिंग करना है, तो सारी चीज़ों के विषय में बताएंगे। जस्ट दोस्तों, ये यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर भी है और यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं कार वगैरह से, फोर व्हीलर से, तो दर्शन करने के लिए उनको अपनी कार पार्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कहाँ पार्किंग करें सुरक्षित जगहों पर बहुत ही कम पैसों में और किस जगह पर, तो बहुत लोगों का आइडिया नहीं रहता है। तो मैं उस जगह पर ले चलता हूँ आज की इस खास वीडियो में, कार पार्किंग के विषय में बताऊंगा। और आप कहीं भी जाते हैं टूर ट्रेवलिंग को लेकर, तो आप उसके लिए भी कार बुक कर सकते हैं। शादी विवाह कहीं भी जाना, ऑल ओवर इंडिया के लिए आपको टूर एंड ट्रेवलिंग के लिए किराए पर यहाँ गाड़ी मिलती है। तो किस किस तरह की गाड़ी मिलती है किराए पर और भाड़े वगैरह पर, आप शादी विवाह में भी आप बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वहाँ ले चलते देख सकते हैं। ये गिरजाघर गोलंबर है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जस्ट गोदलिया गोलंबर और गिरजाघर गोलंबर सटा हुआ है, मुश्किल से दो कदम की दूरी पर है। और जस्ट आप किसी गोलंबर से सीधे पश्चिम की ओर आप रथ यात्रा की ओर चलेंगे लक्सा की ओर, तो यहाँ से भी मुश्किल से आप 10 कदम चलेंगे तो जस्ट आपको राइट साइड में, दाहिने साइड में आपको मजदा कार पार्किंग मिलेगा। तो उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो आपसे वीडियो के साथ बने रहे क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण नई चीज़ों को बताने समझाने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं इस समय में बनारस की जगह पर आ गया हूं, जो लक्सा थाना और जस्ट गिरजा घर जस्ट गोलंबर चौराहा जस्ट के बीच में यहां पर एक कार पार्किंग है और बहुत लोग आते हैं यहां पर। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, बहुत लोग बनारस आते हैं तो कार पार्किंग को लेकर, या कहीं बनारस से बाहर या बनारस में कहीं घूमना हो तो उनको गाड़ी वगैरह भाड़े वगैरह पर नहीं मिलती है टूर एंड ट्रेवलिंग के लिए। तो आप यहाँ आकर कार वगैरह पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से विभिन्न सारी जगहों पर जाने के लिए आप यहाँ से कार बुक भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कैसे कार पार्किंग वगैरह करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं बहुत सारा कार वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पर इनका कुछ टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं ये। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मजदा कार पार्किंग है, 4 पहिया वाहन 50 रुपया 2 घंटे के लिए और 2 घंटे के बाद प्रति घंटा 20 रुपये लेगा। 4 व्हीलर है 50 रुपया, 2 व्हीलर्स आफ्टर 2 आवर्स पर आवर्स 20 रुपीज़, टेम्पो ट्रेवलर 100 रुपया 2 घंटे, 2 घंटे के लिए बाद प्रति घंटा 50 रुपये लगेगा। और यहां से आप पार्किंग में अपनी सामान को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि यहां अपने सामान को स्वयं सुरक्षित रख सकते हैं। पर्ची खो जाने के बाद, बिना जमानत के बाद गाड़ी नहीं दी जाएगी। जैसा इनका टर्म एंड कंडीशन है तो आप यहाँ आकर कर सकते हैं। इनका ये काउंटर वगैरह है, यहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। देखिए यहाँ ढेर सारी कार वगैरह पार्किंग है और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कार पार्किंग कर सकते हैं। और बहुत लोग बनारस आते हैं तो बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो कैसे आप यहाँ अपनी कार को पार्किंग करेंगे, तो यहाँ का पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही लंबी चौड़ी जगह है जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत कार वगैरह पार्किंग वगैरह है और इसको मैंने आपको दिखाया वीडियो में कि कितने घंटे के बाद कितना चार्ज वगैरह लगता है। तो आप यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं, सुरक्षित जगह पर आप अपनी कार को पार्किंग वगैरह कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस समय मैं बनारस के धर्मशाला के बारे में भी मैं एक वीडियो का सीरीज में बना रहा हूँ, सारी चीज़ के बता समझा रहा हूँ, तो इन सारी चीज़ों को देख समझ सकते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैं आपको टूर एंड ट्रेवलिंग की जगह पर भी ले चलता हूँ कि यहाँ से आप कार कैसे पार्किंग करेंगे, तो मैं उस काउंटर पर ले चलता हूँ, आपको एक नई जानकारी दिलाता हूँ। तो आपसे वीडियो के साथ बने रहे क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए खास महत्वपूर्ण है। नई चीज़ों को देखिए समझिए और वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बनारस से रिलेटेड मैंने ढेर सारा इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाया हूँ और बना रहा हूँ, तो आप उन सारी चीज़ों को देख समझ सकते हैं, आपको एक नई जानकारी मिली जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए मैं आप उस काउंटर पर ले चलता हूँ जहाँ पर आप कार बुक वगैरह कर सकते हैं टूर एंड ट्रेवलिंग के लिए। तो चलिए मैं उनके पास चलता हूँ, आपको नई चीज़ों के बारे में बताता समझाता हूँ। तो आप सभी वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। जस्ट गोदलिया और गिरजाघर लक्सा थाना के बीच में है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जय माँ दुर्गा टूर एंड ट्रेवलिंग है। तो यहाँ से आप विभिन्न सारी जगहों के लिए आप गाड़ी यहाँ पर उपलब्ध है, किराए पर आप कर सकते हैं। शादी विवाह हो, कहीं भी जाना हो तो कर सकते हैं। मैं काउंटर पर बातचीत करता हूँ कि यहाँ किस किस तरह की गाड़ी है, कैसे आप बुक कर सकते हैं। तो क्या नाम हुआ? तिवारी। अच्छा तिवारी जी, बताइए अभी हम लोग कहाँ पर हैं? गोदलिया। गोदलिया जस्ट लक्सा थाना और गिरजाघर गोदलिया के बीच में है।
अच्छा, आपके यहाँ कार तो पार्किंग होता ही है, इसके अलावा यहाँ से किराए पर गाड़ी भाड़ा पर ले भी सकता है, तो आप किस किस तरह के कार वगैरह किराए पर देते हैं? जो गाड़ी चाहिए होनी चाहिए, सभी प्रकार की गाड़ियाँ हैं। सभी प्रकार की गाड़ियाँ हैं, जहाँ जाना चाहिए वहाँ के लिए सेवा में। ऑल ओवर इंडिया या सिर्फ बनारस? ऑल इंडिया ओवर कहीं भी जा सकते हैं, सेवा उपलब्ध है। शादी विवाह हो, कहीं आना जाना हो, आदमी यहाँ से बुक करा सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो फ्रेंड, जैसा कि इन्होंने बताया कि आप यहाँ आकर कार बुक कर सकते हैं, पार्किंग भी कर सकते हैं, मैं यहाँ कार पार्किंग की जो जगह है उसका मैं एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा। आप यहाँ आकर इनसे संपर्क कर आपको जहाँ कहीं भी जाना है आप यहाँ से कार बुक वगैरह कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका ये बोर्ड लगा हुआ है और इस ढंग से आप सारी जानकारी है जैसा कि आपने देखा, और जस्ट ये बहुत ही यहाँ सुरक्षित जगह है और बहुत ढेर सारी गाड़ी है, जो भी आपको गाड़ी चाहिए आप यहाँ ले सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइए तिवारी जी, अगर कोई कार अगर बुक करता है यहाँ से आपके किराए के लिए कहीं जाने के लिए, तो आप लोग कैसे लेते हैं, कैसे चार्ज वगैरह कैसे लेते हैं, तेल वगैरह के हिसाब से या डेली बेस पे? जैसा रनिंग होता है, 10 रुपया किलोमीटर छोटी गाड़ी, 15 रुपया किलोमीटर बड़ी गाड़ी, जैसा उनका कार्य हुआ वैसा पैसा रहता है। कार के हिसाब से है, लग्जरियस कार है, अच्छी कार है तो उस हिसाब से प्राइस बढ़ेगा, और किलोमीटर के हिसाब से प्राइस तय होगा। तेल वगैरह नहीं है, डेली बेस पे नहीं है? देख फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि इनके पास इन ढंग के सर्विस है, तो इस ढंग के सर्विस का आप लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पुनः मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।